दोस्तों, अगर आपके भी मन में ये सवाल है कि क्या हम अपने सोलर और यूपीएस से एक साथ अपने बैटरी को चार्ज कर सकते हैं कि नहीं, आपके मन में जरूर ये सवाल उठेगा जब आप सोलर खरीदने जाओगे या फिर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। ये सवाल मेरे पास कमेंट में भी आया था कि क्या हम अपने सोलर से और यूपीएस से एक साथ अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं कि नहीं। मतलब कि दोस्तों की कन्फ्यूज़न लोग को ये रहता है कि जब भी हम अपने सोलर से और यूपीएस से एक साथ अपनी बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो शॉर्ट सर्किट होने लगता है। मतलब कि ये सारे सवाल उठते होंगे आपके मन में कि क्या शॉर्ट सर्किट होने लगेगा, या फिर दोस्तों जब हमारा सोलर और यूपीएस दोनों एक साथ मिलकर हमारी बैटरी को चार्ज करता है तो एम्पियर में जो चार्ज होता है तो एम्पियर ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि हमारा यूपीएस है वो कम से कम 8 से 10 एम्पियर से चार्ज तो करता ही है हमारे बैटरी को, ऊपर से जो हमारा सोलर है वो भी 4 से 5 एम्पियर तो मिनिमम सप्लाई देता ही होगा। तो मतलब मान लीजिए दोस्तों 14-15 एम्पियर से अगर हमारा बैटरी चार्ज होता है तो ये हमारा बैटरी ख़राब हो सकता है। फिर ये भी कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सोलर और यूपीएस से हम अपने बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो सोलर और यूपीएस दोनों शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और ये सारे सवाल आपके मन में है तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी फॉरवर्ड मत कीजिएगा। हम बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, सोलर से और यूपीएस से दोनों को हम अपने बैटरी को चार्ज करके देखेंगे। ये नया एक्सपेरिमेंट होगा दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। तो वीडियो छोड़कर जाइएगा मत, वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम ले चलते हैं, अपने यूपीएस और सोलर को भी दिखाएंगे और बैटरी के पास लेकर चलते हैं और डायरेक्ट आपको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने इन्वर्टर और बैटरी के पास। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो मेरा यूपीएस है यहाँ पर यूपीएस सिर्फ ऑन है, यूपीएस चार्ज नहीं हो रहा है। और आपके मन में जो सवाल था कि क्या हम अपने इन्वर्टर से और सोलर से दोनों को एक साथ अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं कि नहीं, तो सवाल का जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक टर्म्स एंड कंडीशन है। डिपेंड करता है दोस्तों आपका बैटरी का कैपेसिटी कितना है, कितने एम्पियर का आपका बैटरी है और सोलर का आउटपुट कितना है, मतलब कि कितना एम्पियर आउटपुट सप्लाई देता है, और आपका इन्वर्टर है जो है, मतलब कि आपका जो यूपीएस है वो आउटपुट कितना सप्लाई देता है। मतलब कि दोस्तों अगर आपके पास टोटल इन्वर्टर और यूपी और सोलर को मिला के 15 एम्पियर तक अगर आउटपुट सप्लाई है, मतलब कि 15 एम्पियर तक आपका बैटरी चार्ज हो सकता है, तो सिर्फ और आपका बैटरी होना चाहिए कम से कम 150 एम्पियर का। अगर 150 एम्पियर का आपके पास बैटरी है तो आप सोलर और यूपीएस को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों आपको ये चीज़ लगाना बहुत ही ज़रूरी है जिसको बोलते हैं सोलर चार्ज कंट्रोलर। मैंने इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो भी बना रखा है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हो। इसका काम यह है दोस्तों कि आपका जो सोलर है वो बैटरी को ओवर चार्ज नहीं होने देगा। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि अगर हम सोलर और यूपीएस से एक साथ दोनों को बैटरी को चार्ज करते हैं तो हमारा तो यूपीएस जब उसको लगेगा कि इन बैटरी फुल चार्ज हो गया है तो यूपीएस तो चार्ज करना बंद कर देगा। लेकिन अगर इस प्रोडक्ट इस डिवाइस को अगर आप नहीं लगाते हो सोलर चार्ज कंट्रोलर को, तो आपका सोलर और चार्ज करते रहेगा आपकी बैटरी को और वो ज़्यादा चार्ज हो जाने पे आपका बैटरी ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए ये चीज़ आपको लगाना बहुत ही ज़रूरी है जिसका नाम है सोलर चार्ज कंट्रोलर। ये आपकी बैटरी को ओवर चार्ज नहीं होने देता है और ख़राब होने से भी बचा लेता है। तो दोस्तों मेरा यही जवाब है कि बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो। इसका साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक एम्पियर मीटर भी लगाया हुआ है जो कि सोलर से चार्ज, मतलब कि सोलर का आउटपुट कितना एम्पियर आ रहा है। अब दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो मैंने ऑन कर दिया है, अपने घर का सप्लाई दे दिया है अपने इन्वर्टर को। तो यहां पे देख दोस्तों आप देख सकते हो यूपीएस से चार्ज हो रहा है, यहां पे चार्जिंग करके एक ब्लिंक कर रहा है। जैसे कि आप अगर आपके पास माइक्रोटेक का यूपीएस होगा तो आपको समझ में आएगा। और चलिए अब हम सोलर को भी दिखा देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो सोलर से भी हमारा जो बैटरी है वो चार्ज हो रहा है। आप यहाँ पर सोलर चार्ज कंट्रोलर को देख सकते हो, वहाँ पर एक एरो कलर का जो बटन, एरो कलर का निशान है वो ब्लिंक कर रहा है और बगल में सोलर का भी एक निशान आइकन बना हुआ है और बैटरी का भी आइकन बना हुआ है। अगर ये भी ब्लिंक कर रहा है मतलब कि हमारा सोलर से भी अभी चार्ज हो रहा है और यूपीएस से भी चार्ज हो रहा है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा अलग है दोस्तों, अगर आप इसको समझना चाहते हैं सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में तो आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वो आपको वीडियो के एंड में एक प्लेलिस्ट करके ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए अब हम फिर से लेके चलते हैं यूपीएस पे और आपको फिर से दिखा देते हैं कि हमारा जो बैटरी है कितना चार्ज होता है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ये हमारा जो यूपीएस है, अब ये यूपीएस फुल चार्ज बैटरी को बताने लगा कि बैटरी फुल चार्ज हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो चार्जिंग करके एक ब्लिंक करता है वो ब्लिंक करना बंद हो गया है और वो डायरेक्ट जल रहा है, मतलब कि वो फुल चार्ज